तो लाइफ तो क्या करते थे हॉस्टल में इंचार्ज थे आप क्या नहीं 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 हॉस्टल के अंदर आपको ओहदे मिलते हैं काफी okay. तो मैं भी एक अच्छे को के ऊपर फाइज था हॉस्टल के अंदर न्यू हॉस्टल के अंदर तो वो इस तरह का था कि अब हॉस्टल का इस तरह का मजा है कि मैं जब इंटर में गवर्नमेंट कॉलेज में आया था तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहा था वो एक बाल हॉस्टल था जहाँ पे इलाम इकबाल साहब भी रहे हुए उनका भी रूम है तो मैंने हमेशा ये सोचा था कि यार अब मैंने जब यूनिवर्सिटी में जाना है तो मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहूँगा और इकबाल हॉस्टल और जो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है वो एक ही टाइम पे बने और दोनों बड़े पुराने हॉस्टल हैं तो आ, आ, जब मेरा एडमिशन हुआ तो फिर मैंने न्यू हॉस्टल में आ, आ, मिल गया मुझे एडमिशन मिल गया ड्रामेटिक्स की उसी बेस पे सीट पे मिल गया तो फिर इस तरह होता था कि आ, आ, जब मैंने न्यू हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारी है हॉस्टल की लाइफ और यूनिवर्सिटी की लाइफ मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंसान यूनिवर्सिटी में आता है और वो हॉस्ल की लाइफ को नहीं जीता तो वो अधूरा जाता है really? या बिल्कुल अच्छा। ऐसा क्योंकि उधर की एक एक पॉलिटिक्स एक अलग होती हाँ। है एक एंजॉयमेंट अलग होती है वो एक और डिफरेंट है फिर अब पॉलिटिक्स वाला ये होता था कि हम यूनिवर्सिटी के एक अलग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते थे ड्रामेटिक्स का जब होता था मैं ड्रामेटिक्स में एक अलग तरीके से चल रहा होता था तो मैंने उन चीजों को मिलाया नहीं आपस में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैंने उनको एक अलग अलग एक टाइम मुक्र किया होता था कि हाँ भाई अब मेरा ये है तो मैंने इस पर फोकस करना है अगर मेरा ये वाला काम है तो मैंने उस फोकस करना है बट ऐसा नहीं होता था कि ड्रामेटिक्स ड्रामेटिक

मतलब कि हमने हाँ कर देनी फिर नहीं हो मैंने कहना यार इसका काम नहीं हो बे कर वो हाँ। क्या लेकिन ज्यादातर ये होता था कि अच्छा यार काम करना है इसका अगर कोई आगे तो इसका करना है और ब्लाइज करने की कोशिश करता था तो वो कहते हैं ना कि आप आ, आ, किसी के लिए आसानियाँ पैदा करो तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा कर तो मेरे जहन में ये चीज़ होती थी हमेशा कोई किस्सा सुना है कॉलेज की लाइफ से हॉस्टल का कुछ मजे का ये जो आपने बोला ना एक्सपीरियंस हॉस्टल का चले मैं आपको बता देता हूँ हॉस्टल का इस तरह है कि हमने जब एक गैंग हमने बनाया था जब हम पहले पहले साल में था उस गैंग का उंगली गैंग <laughs> 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 okay, जब हम यूनिवर्सिटी के पहले आ, पहला सेमेस्टर था वहाँ पे ग्रुपिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा कि डिफरेंट ग्रुप्स थे और वो होस्टल के स्पोर्ट्स में भी हर किसी का ग्रुप होता था जिस तरह थंडरबुल्ड था अब था और इस तरह एक दो तीन और थे लेकिन हॉकस्टार स्टार फिर हमने सोचा था कि यार हमने कुछ डिफरेंट करना हमने इन ग्रुपों के साथ में मिलना okay. तो एक अपनी पहचान बनानी hmm. तो पहले साल ही मेरे कमरे में आ, हमने एक बड़ी गैदरिंग रखी अपने पुराने दोस्तों की जो इंटर से पास आउट होके आए हुए थे हमने फिर कैंपेन शुरू की और हमने एक अपना एक नया ग्रुप बनाया वो टाइटन्स के नाम से था okay. लेकिन एक मज़ेदार ये वाक्य हुआ कि उंगली गैंग के बड़ी उल्टी सीधी हरकतें होती थी और जो कि हम करते ये थे कि कई दफ़ा रात को लाइटें बंद करके और बस फिर दरवाज़े नॉक करने हैं और लोगों को डराना है लाइटें बंद कर देनी है फिर कई दफ़ा हम लोगों के ताले लगा के फिर उनमें हम तिनके फसा फंसा देते थे इस तरह इस तरह का एक वो मतलब कि टाइम गुजरा एक मज़ेदार बड़ा वाक्य होसल का अब खादम अली खान साहब हमारे एक होते थे सोपिडेंटर तो वो बड़े ही मज़ेदार करेक्टर थे तो वो वो कहते थे कि अब उन्हें जब शोर ज्यादा आता था ना अब हॉस्टल के अंदर वो आ, स्पोर्ट्स चल रहा, रहा तो उन्होंने कहा कि जी अब वो ऊपर ऊपर से नीचे उनका घर होता आवाज उन्हें बहुत ज्यादा ऊपर जा रही थी वो कहते हैं कि ओए सारे कट्ठे होके इधर आ जाओ हम अब सारे कट्ठे होके हम गए अब वो कहते हैं कि जी आ, आप लोगों को बड़ा शौक है नारे लगाने का मैं उनकी नकल तो नहीं उतार सकता लेकिन वो बोलते इस तरह कि थोन बड़ा शौक है आवाज़ा कडन दा तो आप लोगों के लिए मैंने एक इनाम रखा है आप सारे लोग बाहर आ जाए सारे अपने अपने ग्रुप्स लीडर जितने भी हैं एक ग्रुप के साथ मैं आए थे और मैंने कुछ दोस्त थे हम सारे चले गए तकरीबन कोई आ, दो सौ पचास बच्चे सर्दियों का टाइम अब एक होस्टल का मेन दरवाज़ा है एक उसके अंदर वाला दरवाज़ा अब अंदर वाले दरवाजे से हमें ले गए वो बाहर वाले जहाँ था क्योंकि मेन एंट्रेंस तो हो गई उसके बाद आपने हॉस्टल के अंदर जहाँ पे रहना है जाके रुकते हैं आप कमरों में आना है वो आपने एक और जगह से एंटर हो क्यों ना आता है आ, आना होता है वो लेके मैं बाहर वो कहते हैं कि जी लगाओ आवाज़ें ऊँची ऊँची आवाज़ें शुरू करो मैं दस हज़ार रुपया इनाम दूंगा उस ग्रुप को जिसकी आवाज़ें इस दीवारों को हिला के रख देंगे सामने डी ऑफिस भी होता था न्यू हॉस्ल के सामने पता लगे डी साहब को भी कि जी ये न्यू न्यू के हैं बच्चे सबने नारे मारने शुरू कर दी रोले डालने अब पांच मिनट गुजरे हो रहे है। और जोश वलबले के साथ सारे नारे लगा रहे दस मिनट गुजरे हैं खान साहब गायब हो गए पूरे दस मिनट बाद अब खान साहब दस मिनट बाद अंदर वाले गेट पे गए हैं उन्होंने कहा है मुंशी को केयर टेकर को अगर एक भी बच्चा अंदर आया मुंशी ते मैं तेनू है अब मुंशी अंदर कुंडी लगा अब हम नारे लगाने में खान साहब हमें खान साहब मिल ही नहीं रहे अब अंदर अंदर क्या तो भाई अंदर ताले लग चुके अब ठंड भी थी उस रात और बस जुड़ जुड़ के बैठे हुए एक जाति बच्चों ने क्या की फैसल हमारे होस्टल के अंदर कैंटीन खुलती थी रात बारह बजे के बाद टेन टू ट्वेल्व होता था स्टडी पीरियड टू वन रात बारह से एक के दौरान वो आता था चीजें लेके आता था डिफरेंट शॉर में कुछ बर्गर कुछ चीजें लेके आता था अब फैसल की बेचारे की उस दिन किस्मत हारी थी अब उसे ये नहीं पता था कि ये सारे भूखे सारा ढाई सौ भूखा शेर आ में बाहर बैठा हुआ फैसल एंटर हुआ अपनी सामान से गटड़ियां भरी हुई एंटर लेके हुए हर बंदा झपट पड़ा oh किसी ने शारमा खेच लिया किसी ने कोई टॉफी खेच लिया किसी ने क्या खेच ली लेकिन सुबह पांच बजे अजाने हुई हैं

मैंने रियलाइज़ किया कि हम बात करते हैं गैंग्स की हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं हन्नों की लेकिन इतनी सैड रियलिटी है कि कहीं कहीं इंसान स्टूडेंट्स उसमें लड़के भी और लड़कियों को भी मैं शामिल करूंगी उनकी एक बड़ी एक डिफरेंट नेगेटिव सी साइड आपको सामने नज़र आती है जो इसमें दिखा रहे हैं कि वो ग्रुप ऑफ बॉयज़ हैं और जो वो सर्वाइवल के लिए या सर्वाइवल भी नहीं किसी दूसरे को कट करने के लिए जिस लीथल तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं

उसमें हम इंटर के बहुत ज्यादा बच्चे थे जो मेन लीड पे थे सारे ली, लीडरान थे सारे लीडर्स थे ट्वेल्व टू फोर्टीन का हमारा इंटर था फोर्टीन टू 18 हमारे कट्ठे आ गया हुए थे और जो नए लोग थे वो हमारे साथ ग्रुप में शामिल हुए हुए थे हर किसी का अपना ग्रुप होता था लेकिन जब बात आती थी हमारे बैच पर तो हुँ। हुँ। हम सारे इकट्ठे होते मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई मसला हो गया है, तो हमारा 14 टू 18 का जो बैच था मैं हॉस्टल की बात कर रहा हूँ वो सब इकट्ठे होते थे एक प्लेटफॉर्म पे होते थे और यही हमारी जो एक स्ट्रेंथ थी वो एक दूसरे को और मोटिवेट करती थी जब हो रहा होता था ग्रुप तोड़ने की बात हो रही होती थी लोग शामिल करने की बात हो रही होती थी तो उस तरह वो चल रहे होते थे स्पोर्ट्स में बड़ा होता था स्पोर्ट्स में लेकिन जब बात होती थी उसके ऊपर कि 14, 18 का बैच क्योंकि हॉस्टल में बड़ी एक मज़ेदार लाइफ होती है जूनियर फिर उसके सीनियर फिर उनके सीनियर फिर एक वो बड़ा ही हमारे वो राबिन्स में एक बड़ा ही वो प्यारा एक वो रिलेशन होता है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट के साथ चलना अगर किसी फर्स्ट सेमेस्टर वाले किसी बच्चे का कोई मसला हो गया तो भाई उसे सॉल्व कर रहे हैं सीनियर okay. इस तरह होता था लेकिन यूनिवर्सिटी में हमारे उसके अंदर होती थी काफी पॉलिटिक्स होती थी अपरली